हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज की रेसिपी नवरात्रि स्पेशल है। हम बनाने वाले हैं राजगिरे और आलू की नमकीन पूरियां। ये पूरियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और काफ़ी आसान है। जब आपका स्पेशल व्रत में कुछ नया बनाने का मन हो तब आप यह पूरियां बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। राजगिरे की पूड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कप राजगिरे का आटा ले रही हूँ, वजन से ये 200 ग्राम है। इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्ची को मैंने बारीक कट कर लिया है, इससे पूड़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये बॉईल किया हुआ आलू है इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। सभी मसाले को मिक्स करके हम इसका डो बना लेंगे। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, हम पानी की जगह इसमें आलू यूज़ करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा आलू मिक्स करके और इसका डो बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा आलू और मिक्स करेंगे और इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा आलू लेकर इसमें मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम थोड़े थोड़ा आलू लेकर और इसका डो बना लेंगे। डो हमें न ज़्यादा नरम बनाना है और न ज़्यादा हार्ड। देखिए इस तरीके से बनाना है कि आसानी से पूड़ी बन जाए। इसका हम एक छोटा पेड़ा बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। डो लगाने में मुझे लगभग 3 मीडियम साइज़ के आलू लगे हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ली है और इसे मैंने दोनों साइड से इस तरीके से कट कर लिया है और इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर लिया है। इस पर हम तेल लगाएंगे ताकि पूरी चिपके नहीं, और अगर आप इसे डायरेक्ट बेलेंगे तो ये हो सकता है आपके बोर्ड पर चिपक जाए। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वो तरीका बहुत इजी है और आपकी पूड़ी भी फटाफट बनेगी। अब इसमें हम साइड में एक पेड़ा रखेंगे और इस तरीके से इसे कवर कर देंगे और रोलर से इसे हम पूड़ी की तरह बेलेंगे। इसे हमें मोटा बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप इसे पतला बेलेंगे तो पूड़ी फूलेगी नहीं, तो आपको थोड़ा मोटा बेलना है। देखिए इस तरीके से आपको इतनी मोटी पूड़ी बनानी है। और आपको मैं एक तरीका और दिखाऊंगी कि आपकी पूड़ी एकदम गोल बने। इस पर हम वापस तेल लगाएंगे, आप जितनी बार पूड़ी बनाए उतनी बार आपको तेल लगाना है। अब हमें इसमें वापस एक पेड़ा रखते हैं और इसे इस तरीके से कवर कर देंगे और इसे हम वापस पूड़ी की तरह बेलेंगे। फ्रेंड्स, आपको जितनी पूड़ी बनानी है आप उतना ही आटा लगाएं, क्योंकि इसे हम रख नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। मैंने पूड़ी की तरह इसे मोटा बेल लिया है। अब हम इसे कटोरी से कट कर लेंगे और जो आइट साइड का जो आटा है उसे हम निकाल कर और उसको वापस हम यूज़ में ले लेंगे। तो देखिए ये हमारी एकदम गोल पूड़ी तैयार है। तेल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है और स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को आप बहुत ज़्यादा गरम नहीं करें, अगर आप ज़्यादा गरम तेल में पूड़ी डालेंगे तो पूड़ी ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप इसे स्लो और मीडियम फ्लेम करके फ्राई कर लें। तो देखिए हमारी पूड़ी कितनी अच्छी फूल गई है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। फ्रेंड्स, आप आटे में मसाला मिक्स कर ले और जब आपको पूड़ी बनाना हो तब इसमें आलू मिक्स करें, क्योंकि आलू से आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो इसी तरीके से आप सभी पूड़ियाँ बना लें। फ्रेंड्स, इस पूड़ी के साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कोरी पूड़ी ही खा जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि व्रत में तीन चार चीज़ जब तक ना हो थाली में, तब तक हमारा पेट नहीं भराता है। तो आप इसके साथ अचार और दही भी सर्व कर सकते हैं।